मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो अब सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वेव क्या क्या चीजें हैं, वेव से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग एक बार क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेसिक डेफिनेशंस और उसमें सबसे पहले लिखेंगे वेव के बारे में, क्या चीज है वेव। एनी आइडिया, किसी को पता है वेव के बारे में? लहर, हाँ, और वो वेव लेंथ होती है। मैं वेव की बात कर रहा हूं। बेसिकली ये जो तुमने बोला अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये तो वेव है, ठीक है, बट मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको कैसे फील करें, मतलब कहां पर है? समुद्र में तो चलो वो तो वो है, ठीक है, बट जैसे हम लोग जो बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि अगर हमारे इस कमरे में लाइट जल रही है, ठीक है, बाहर लाइट नहीं है, है ना, पूरा अंधेरा है, मान लो पूरा अंधेरा है, तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व भी किया होगा कि किसी एक कमरे में अगर लाइट जल रही है, ठीक है, और बाहर लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हमको उस जलती हुई लाइट की वजह से कहीं ना कहीं हम बाहर हल्का फुल्का तो विजन नजर आएगा, हमको कुछ ना कुछ तो दिखेगा, हम ऑब्जर्व किया है सभी लोगों ने। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम वहां पर देख पा रहे हैं चीजों? वो लाइट जो कि जैसे मान लो यहां से निकल रही, तो ये तो इसी तरफ आ रही, बट तुम लोग भी उस चीज को, इसको अगर ये सीधा सीधा आना था ये तो ऐसा आ जाता, वहां पर उसका असर नहीं होना चाहिए था उसके पीछे, बट होता है, बिकॉज लाइट इज एनर्जी एंड एनर्जी हैव वेव कैरेक्टर। तो ये जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं ये वेव कैरेक्टर की वजह से होता है, समझ गए बात को? दैट इज बिकॉज ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट, और वी कैन से मोर अप्रोप्रिएटली वेव नेचर ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी के ट्रांसमिशन का एक तरीका है, या एक कह सकते हैं कि उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है वेव, ठीक है, जिस चीज को हम अभी तो ऐसे नहीं देख पाते, ना है ऐसे देख पाते, लेकिन उसको मैथमेटिकली जब हम लेकर के आते हैं इधर पर पेपर पे, तो एक साइनोसोइडल वेव बनती है। ये एक मैथमेटिकल तरीका है वेव को दर्शाने का, ऐसी वेव होती है, लाइट ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं है, ये एक मैथमेटिकल तरीका है वेव को रिप्रेजेंट करने का, ठीक, क्लियर, ओके। तो ये चीज है वेव। अब यहां पर लिख लेते हैं वेव के बारे में क्या चीज है। तो इट रिप्रेजेंट्स ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के ट्रांसमिशन को दर्शाती है वेव। इसी में लिखेंगे इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट इज द मीन्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर without the transfer of molecules in the medium। मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम, अब इस चीज को समझते हैं, ये चीज क्या है, विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मीडियम। अब मान के चलो ये क्या चीज है ना, बिना मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफर के एनर्जी का ट्रांसफर होना, ठीक है, वो बिकॉज वहां पर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, एक मॉलिक्यूल उसके बगल वाले मॉलिक्यूल को अपनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, और इस तरीके से एनर्जी तो ट्रांसमिट हो रही है लेकिन मॉलिक्यूल वहीं का वहीं है, ठीक है। अब इसको ऐसे समझो कि मान लो ये सामने मेरे दीवार है, ठीक है, अब इसमें मैं एक कील से रस्सी बांध लेता हूं, ठीक है, और उसको खींच के मैं अपने पास यहां पर रख लेता हूं, ओके, इमेजिन कर पा रहे हो? तो अब एक रस्सी खींची हुई है, दिख रही है सबको, ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर ऐसे किया तो अब क्या होगा बताओ, एक वेव निकलेगी,
जो दिखेगी तुमको कि एक वेव निकली हुई है। क्या जब देखो मैंने यहां पर मैकेनिकली एनर्जी ट्रांसफर करी, ठीक है, ये एनर्जी ट्रांसफर हुई। जब एनर्जी ट्रांसफर हुई तो अब आगे का काम क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन क्या रस्सी का वो कोना जिस पर मैंने एनर्जी दी थी क्या वो वहां से वहां गया, क्या नहीं गया? वो तो मेरे हाथ में ही है, लेकिन एनर्जी तो वहां गई जिसकी वजह से वो लहर बन रही थी, समझ गए? तो ये है मतलब एक प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मर, इसी को हम वेव कहते हैं, ठीक है, कि वेव इज द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी बिना मॉलिक्यूल के ट्रांसफर हुए। क्या बात समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट? पक्का? ठीक है। और इसी चीज को मैथमेटिकली हम लोग एक साइनोसोइडल वेव से, इसको साइनोसोइडल वेव बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन, तुम्हें अगर थोड़ा बहुत मैथ्स पता हो तो साइन की जो है वो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है। साइन वेव जो होती है, कॉस वेव भी होती है, साइन वेव भी होती है, तो इसको हम साइनोसोइडल वेव बोलते हैं, जो आगे भी ऐसी चलती है और यहां से भी आ रही होती है, ठीक है। ये चीज है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, ठीक है। नाउ अब इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। ये जो चीज कहलाती है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, ठीक है, लिख दूं क्या पूरा? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए से लिखेंगे, ए। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं ट्रफ, ट्रफ। ठीक है, अब देखो बुकिश डेफिनेशन अगर हम देखें जो वेवलेंथ की होती है वो ये कहेगा कि दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, जो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ के बीच में डिस्टेंस होगा उसे हम वेवलेंथ कहेंगे, ठीक है, यही चीज है। या तो दो कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ या दो कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट, उनके बीच की जो दूरी होती है इसे वेवलेंथ कहते हैं, ये किताबें कहती हैं, और जो कि सही भी है, गलत क्या है, बट ओवरऑल ये एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वेव जो है वो, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही तो एनर्जी हम ऑसिलेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं, ये एक ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करें। मान लो ऑसिलेशन मतलब एक, अगर पार्टिकल यहां पर है, एक मॉलिक्यूल है, उसको मैं इतनी एनर्जी देता हूं तो ये वापस आएगा, यहां से रिटर्न होगा, फिर यहां जाएगा और फिर यहां से वापस आएगा, ये एक साइकिल कहलाती है, समझ गए बात को? उस मॉलिक्यूल की जो मैंने यहां पर दी, ठीक है, उस मॉलिक्यूल की एनर्जी एक साइकिल कहलाएगी वो, ठीक है, समझ गए? तो दैट इज, यहां पर हम कह सकते हैं क्या, एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन, एंड वन ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करती है ये। शुरुआत कहां से हुई? यहां से। अंत कहां हुआ? यहां पर। इसके बाद अगर देखोगे तो सेम ही चीज रिपीट होनी है, क्या बात समझ में आई? तो ये एक वन कंप्लीट ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं, दिस इज नथिंग बट वेवलेंथ, वेव की लेंथ, वेवलेंथ, समझ गए क्या? वेव की लेंथ, वेवलेंथ, यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई, वेवलेंथ, एक वेव की लेंथ। ये आधी वेव है, दिस इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट वेव है, ओके? तो इसको वेवलेंथ नहीं कहना है, इसको कहना है ये कंप्लीट वेवलेंथ। हाँ, ये तो यहां पर आधी हो गई, तो ये वेव नहीं कहलाएगी, ठीक है, या वेवलेंथ नहीं कहलाएगी। वेवलेंथ मतलब यहां से लेकर यहां। और अब सीधी सी बात है कि अब अगर किताबों के हिसाब से देखें तो ये चीज जो है वो यहां पर जानी है, दूसरी वेव है ये, है ना, यहां से दूसरी वेव शुरू हो गई, तो इनके बीच में जो दूरी होगी दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में वो भी उतना ही रहेगा, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच में देखेंगे, यहां और यहां के बीच में, तो भी इसकी दूरी इतनी ही रहनी है, समझ गए? ओके, तो ये है वेव लेंथ, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ओके। पहला अभी वेव तो लिख लिया, डायग्राम बना लिया, अब लिखेंगे सेकेंड पॉइंट वेव के बाद, वेवलेंथ, वेवलेंथ। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को?
जगे हुए हैं सब? वेवलेंथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और जिसकी यूनिट एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है? तो लिखेंगे इसमें लेंथ ऑफ वन वेव इज कॉल्ड वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेव ब्रैकेट में लिख लेना, वन वेव के वन कंप्लीट ऑसिलेशन, और दूसरी डेफिनेशंस जो हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो भी लिख लो साथ ही में, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट स्लैश ट्रफ, ऐसा लिख, है ना, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट स्लैश ट्रफ। कौन हो दिक्कत? पक्का? रिपीट, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, लिख दूं, लेंथ बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ, ठीक। एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर। एसआई यूनिट इज मीटर। अदर यूनिट्स जो कॉमनली हम लोग यूज करेंगे, नैनोमीटर यानी कि 10 to the power minus 9 meter, और दूसरी यूनिट एंगस्ट्रॉम 10 to the power minus 10 meter, ठीक है। पीकोमीटर अगर कभी आ गया, पीकोमीटर कितना? -12 meter। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये दो चीजों से डील करेंगे, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम्स वेवलेंथ के केस में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट फ्रीक्वेंसी। हाँ बताओ कोई, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ, हाँ ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड, यानी कि देखो अब एक एनर्जी है या जो भी वेव है वो यहां से पास हो रही है, ठीक है, इट इज क्रॉसिंग दिस लाइन, ऐसा समझो कि एक लाइन क्रॉस हो रही है। अब कितनी वेव्स हैं जो एक सेकेंड में, इन वन सेकेंड इस लाइन को कितनी वेव्स, 1, 2, 3 कितनी वेव्स हैं जो एक सेकेंड में इस लाइन को पास कर जाएंगी, ठीक है, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं उसे हम उस वेव की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर तुम ध्यान दो कि जितनी छोटी वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा वेव्स जो है वो क्रॉस होंगी एक सेकेंड में। अगर वेवलेंथ बड़ी हुई, मान लो एक बड़ा वेव हुआ, तो सीधी सी बात है कि एक सेकेंड में हो सकता है एक ही वेव पास हो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल है? क्या चीज समझ में आ रही है? है ना, तो जितना ज्यादा बड़ा वेवलेंथ उतनी छोटी फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी वेवलेंथ। रिपीट करो, जितना बड़ा वेवलेंथ उतनी छोटी फ्रीक्वेंसी, जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी उतनी, ठीक समझ गए? हाँ, तो अपन को फ्रीक्वेंसी लिखना है, फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू वी जैसा दिखता है ये, ठीक है, और इसकी यूनिट होती है हर्ड्स या पर सेकेंड, हर्ड्स और पर सेकेंड, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स की तो कोई यूनिट नहीं होगी लेकिन पर यूनिट टाइम की तो होगी, पर यूनिट टाइम भी क्या है? पर सेकेंड, तो दैट इज पर सेकेंड, यही इसकी यूनिट है और इसको हम हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे, हाँ क्या क्या लिख लिया अभी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, लिखेंगे नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, या इसी को हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड,
ठीक है। ऑसिलेशन मतलब पता है टू एंड फ्रो मोशन है ना, आगे पीछे होना। तो अगर मैं धीरे 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 धीरे, ये एक स्लो हम बोल सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है, लेकिन और टेस्ट कर दूं तो एक सेकंड में मैं ज्यादा ऑसिलेशन कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई। क्या बात समझ में आ गई यहां पर? ठीक है, तो इसी को भी हम फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड भी इसको कह सकते हैं। ओके डन, ठीक। नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ डेफिनेशन, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसकी यूनिट होगी सेकेंड। तो टाइम पीरियड मतलब एक वेव, एक वेव इस पॉइंट से कितनी देर में गुजर गई, ठीक है। वन कंप्लीट वेव कितने है ना, टाइम टेकन बाय वन वेव टू क्रॉस अ पॉइंट। समझ गए बात को? नहीं समझे, नहीं आया? ये एक वेव है, ठीक है। मान लो इसने अभी यहां से इस पॉइंट से पास होते टाइम मान लो जीरो था, उसके बाद एक सेकेंड, दो सेकेंड, तीन सेकेंड, चार सेकेंड, पांच सेकेंड, छह सेकेंड, और उसके बाद सात सेकेंड बाद ये इसने पार किया इसको, तो हम बोलेंगे इसका टाइम पीरियड क्या है, सात सेकेंड का। समझ गए बात कि एक पूरी वेव को इस पॉइंट से पास होने में कितना टाइम लगा, उसे हम क्या कहेंगे, टाइम, ठीक है। लिखेंगे टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो देखो अब इन दोनों डेफिनेशन को कैसे रिलेट करें हम, कौन कौन सी, फ्रीक्वेंसी और टाइम। क्या डेफिनेशन है टाइम की, कि टाइम टी सेकेंड वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है जब कितनी वेव पास हो रही है, वन वेव। एक वेव को गुजरने में टी टाइम लगा, टी सेकेंड लगे। अगर टी सेकेंड के लिए एक वेव होती है तो एक सेकेंड के लिए कितना होगा बताओ, वन बाय टी, और एक सेकेंड में कितनी वेव्स गुजर रही हैं, वही तो फ्रीक्वेंसी है। यानी कि ये चीज क्या है, फ्रीक्वेंसी। यानी कि क्या हम बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इज वन अपॉन टी, ठीक है। फिर से बताऊं, देखो टी टाइम या टी सेकेंड वो समय है जो हमने डेफिनेशन में लिखा, जो एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। टी सेकेंड मतलब एक वेव, क्योंकि वन वेव को पास होने में कितना टाइम लगा उसी को तो हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टी सेकेंड मतलब वन वेव, तो वन सेकेंड मतलब वन बाय टी वेव्स। समझ गए? और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने, नंबर ऑफ वेव्स इन वन सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट वन बाय टी। क्या बात समझ में आ गई? ओके, क्लियर है सरफराज? यस सर। क्लियर? पिछली डीएमटी में कितने आए, किसके, दस, दस में दस किसके आए, जो लास्ट टाइम डीएमटी हुआ था, बस तीन। केमिस्ट्री में 10 में से 10 किसके आए लास्ट डीएमटी में, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस लोग हैं, बहुत कम है यार। 100 से 110 से 120 लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उसमें से केवल 10 लोग, 10 में से 10 बताओ, नौ कितनों के, नौ बहुत लोगों के। कोई ऐसा जिसके पांच से कम है, पांच से कम, दो लोगों के पांच से कम। ओके,
तुम लोगों को बटालियन अलॉट नहीं हुई ना अभी? ठीक है, हो जाएगा। तो देखो अब जैसे ये दो लोग हैं, ये इसी रूम में बैठे हुए हैं, यानी मान लो जस्ट इन केस अगर ये इस बटालियन के, तुम लोगों को भाई इसको जो भी करना है, मतलब नंबर बढ़वाना है, ठीक है, हाँ, मतलब तुम समझ रहे हो कि इन लोगों पर तुम लोगों को भी मेहनत करनी है, ठीक है, हाँ, चलो। तो ये बात हो गई, कहां तक हो गई? टाइम पीरियड तक हो गई, ठीक है, समझ में आ गया अभी तक? ओके, कौन सा नंबर था ये? चौथा, पांचवा, फिफ्थ लिखेंगे, वेव नंबर। वेव नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ वेव्स, इसको लैम न्यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे, न्यू बार, नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ। मान लो ये एक वेव है, ठीक है, लेकिन एक मीटर जो है, वन मीटर, वन यूनिट लेंथ मतलब हम वन मीटर मान के चलते हैं, ये इतनी बड़ी है, ठीक है, ये एक वेव है, लेकिन वन यूनिट लेंथ क्या है? वन मीटर, ये दिस इज वन मीटर। अब इस वन यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स आ जाएंगी? ये एक, दो, तीन, चार, तो इसका वेव नंबर क्या हो जाएगा? चार। समझ गए बात को? वेव नंबर मतलब नंबर ऑफ वेव्स इन वन यूनिट लेंथ, समझ गए बात को? एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स, ठीक। अब देखो हम वेवलेंथ को और इसको एक दूसरे से कैसे रिलेट करना है। वेवलेंथ क्या था? लैम्डा। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? लैम्डा मीटर, मान लो हम बोलते हैं कि वेवलेंथ है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेंथ ऑफ वन वेव। लैम्डा मीटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वेव की लेंथ, वन वेव। लैम्डा मीटर वन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आई ये बात? पक्का? लैम्डा मीटर एक वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक मीटर कितने वेव को रिप्रेजेंट करेगा? वन बाय लैम्डा। और यही तो, समझ गए बात? तो ये क्या हो जाएगा? वेव नंबर इज नथिंग बट वन बाय लैम्डा। वेव नंबर इज नथिंग बट वन बाय लैम्डा, न्यू बार इज इक्वल टू वन अपॉन लैम्डा। क्लियर है? उधर लास्ट में फिर से रिपीट करूं क्या ये? चलो छठा पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव v से रिप्रेजेंट करेंगे, v है ये, ध्यान रखना, न्यू नहीं है, ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्या होती है वेलोसिटी इन जनरल? वही होगी यहां पर भी, बताओ कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से रटा हुआ है। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये हमने जो भी अभी तक चर्चा करी उसमें डिस्टेंस क्या है? वेवलेंथ। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। और टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? अब मुझे बताओ वन अपॉन टी को हमने क्या पढ़ा है? फ्रीक्वेंसी। ये जो वन अपॉन टी है ना, इनटू वन कर देता हूं, तो ये वन अपॉन टी क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये लैम्डा है, तो इसको हम बोल सकते हैं न्यू इनटू लैम्डा। तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नथिंग बट न्यू इनटू लैम्डा। ये किसी भी वेव के लिए, किसी भी एनर्जी के लिए ये चीज हम यहां पर यूज करेंगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली लाइट की बात करते हैं तो हम वी की जगह सी यूज करेंगे, और सी यानी कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है?
स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। C इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तुम्हें नींद में भी उठा करके अगर बोलेंगे तो तुम्हें याद रहता है, वैसे ही C इक्वल टू न्यू लैम्डा, C इक्वल टू न्यू लैम्डा, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2021 या 22 में इससे रिलेटेड सीधा क्वेश्चन आया, सीधे सीधे C इक्वल टू न्यू लैम्डा।